जो करना है वो करना है। पैशन वो चीज़ होती है जिसके लिए आपको न तनख्वाह दी जाए फिर भी आप काम करने को तैयार हैं, बहुत ज़्यादा थके हों तब भी आप काम करने को तैयार हैं, पैशन वो चीज़ होती है। बहुत नींद आ रही हो तब भी आप काम करने को तैयार हैं, संडे के दिन हो उस दिन भी आप काम करने को तैयार हैं, 7 days a week, छुट्टी कोई नहीं। वो काम जो बिना पैसे के आप बड़े मन से कर लेते हैं उसको कहते हैं पैशन। जैसे सत्संग, सत्संग हम लोग पैसे के लिए नहीं करते, सत्संग वो लोग करते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, लगन होती है, कुछ करने की चाहना होती है। हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमको भगवान से प्रेम होता है, हम भगवान की तरफ चलने को तैयार होते हैं, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, हमारा जुनून हमको बढ़ाता जाता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू ज़रा कोशिश तो कर। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ में तो हम लोग भी चलते हैं, सत्संग की भीड़ में, लेकिन भीड़ में रहते नहीं है हम लोग, रहते एकांत में। ये तो काम मिला है, काम मिला है, भीड़ में काम करना है तो भीड़ में करना पड़ेगा। कुछ लोगों को रोड पे काम करना पड़ता है, रोड चल रही होती है, रोड पे काम करना पड़ता है, क्या करें बेचारे, काम करना पड़ता है। तो भीड़ में हमको सत्संग करने को मिला है, ये हमारा काम है, लेकिन रहते एकांत में। तो अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है, वाह 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 वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा करा बहुत अच्छा करा, मगर पहचान छीन लेती है, आप भीड़ में से एक हो जाते हो, आपको ऊंचाई तक नहीं जाने देती, भीड़ आपको पकड़ के खींच लेती है पीछे, हमसे आगे जा रहे हो, हमसे आगे जा रहे हो, इसलिए थोड़ी बढ़ाया था तुमको कि हमसे आगे चल पड़ो। तो अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। ऐसे नहीं मिलती राही को मंजिल, ऐसे नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, हौसला रहने की जगह, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये मत सोचिए मेरा काम छोटा है, आप उसको कितना बढ़िया तरीके से करते हैं ये आपको रिकग्निशन दिलाएगा, ये आपको बढ़ाएगा। सत्संग को छोटा काम मत समझिए। लोग कहते हैं सत्संग जाते हो, अरे कुछ काम करो, मतलब सत्संग तो कोई काम ही नहीं है। हमसे भी कहते थे कुछ 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 कहते थे, हमने कुछ नहीं सुना किसी का, वो लोग छोड़कर हमको चले गए, चले जाओ कोई नहीं, हम अकेले चले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मंजिल दूर सही पर घबराना मत दोस्तों, मंजिल दूर सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनाया है कभी कभी गुरु ग्रंथ साहब का, कि मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनमें बहुत पॉपुलर है, गुरु ग्रंथ साहब में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर ये सुना है मैंने उन लोगों से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, 10 गुरुओं में से एक गुरु, उनका एक शिष्य था, बहुत कमज़ोर था बेचारा, गुरु जी के पास आया करता था, बहुत प्रेम था उसका गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं, संगत थोड़ी सी बैठी हुई थी, बात चलती है कि शादी आ रही है बेटी की, तो
देखो आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो वो कमजोर सा जो व्यक्ति था, लोग उसको मच्छर सिंह कहते थे, तो मच्छर सिंह गुरुजी के पास जाकर बैठता है, गुरुजी कितने पैसे ले आऊं? गुरुजी कहते हैं देखो कोशिश करो, 500 रुपये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 500 बहुत अच्छा काम चल जाए, उस जमाने के 500 रुपये, आज के 5 लाख रुपया हो जाए तो बहुत अच्छा है। बात ऐसी कह दी, बाई दबे जैसे होता है, किसी ने कुछ पूछा तो कह दिया भाई इतना हो जाए तो अच्छा है। तो सोचता है अपने शहर में तो कुछ काम धाम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो एक शहर में जाता है कि यहाँ थोड़ा बड़ा शहर है, कुछ आमदनी के चांसेस हैं, कुछ कोशिश करता हूँ, पर 500 रुपये हैं तो बहुत, लेकिन गुरुजी ने कहा है ना तो ज़रूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ गुरुजी कराएंगे। अचानक उसको एक पोस्टर दिखाई देता है, पोस्टर पे लिखा था मिस्किन या पहलवान से जो कुश्ती लड़ेगा, जो लड़ेगा उसको 250 रुपये इनाम, खाली लड़ेगा उसको 250 रुपये इनाम, और अगर जीत जाएगा तो 500 रुपये इनाम। इसको तो लगा ये तो काम बन गया यार, ये तो कोई, मैं नौकरी करता, ये करता, वो करता, कितने साल लगते, गुरुजी को तो अभी मुझे ले जाके देना था, गुरुजी ने तो करामात कर दी, ये तो गुरुजी ने कराया है, अब ये काम होना है। अब उसने पता वता किया, गया वहाँ, नाम वाम लिखवाया अपना, उन लोगों ने उसको देखकर कहा ये कौन है, क्या क्या नाम है, मच्छर सिंह, मच्छर सिंह नाम है, अच्छा कोई नहीं, कहाँ है वो, कि वो आ जाएगा साहब कल सुबह, अच्छा ठीक है सुबह टाइम से आ जाए, इतने बजे आना है, ये है वो है, बता करके सब बात फिक्स हो गई। और आ रहे थे लोग, एंट्रेंस आ रहे थे, भाई 250 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये था कि वो या तो झापड़ मारेगा तो या तो कान का पर्दा फट जाएगा, या 2-4-6 दांत टूट जाएंगे, हो सकता है 32 ही बाहर आ जाए, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाएगा, लेकिन 250 रुपये के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाते थे, कुछ तो आ ही जाते थे, और जो देखने वाले आते थे वो लोगों को पिटता हुआ देखा करते थे, बड़ा मज़ा आता था उन्हें, बड़ा मज़ा आता था। तो सुबह हुई, लोग जाने लगे वहाँ, कुश्ती शुरू हो जाती थी 10 बजे से 12 बजे तक, सब निवट लेते थे, 2 घंटे में बड़ा मज़ा आता था लोगों को पिटते हुए देखकर। कॉमेडी मूवीज़ में पहले हम लोग देखा करते थे ना कि इसको मारा उसको मारा, ढाएँ ढोएँ मजाकिया लोग जो होते थे पिटा करते थे, इधर से गिरा उधर से गिरा ऊपर से गिरा नीचे गिरा, बड़ा हंसा करते थे लोग। तो उस तरह करके वो वहाँ पर चल रहा था, कार्यक्रम शुरू हो गया। मच्छर सिंह अपना सवेरे सवेरे पहुँच करके 8 बजे करीब कुएँ पर स्नान करने लगा, तेल मले और नहाकर अपना तैयार हो रहा था, तेल मले जा रहा था। इतने में एक लंबा चौड़ा आदमी उधर से आया, अबे क्या कर रहा है यार, इतना तेल क्यों लगा रहा है सुबह ही सुबह। होते हैं ना लोग पूछ बैठते हैं क्या कर रहा है भाई, कुछ उनको मजाक सा लगा कि तेल मल रहा है, मच्छर सा आदमी। तो कहता है आपको पता है आज मिस्किनिया पहलवान कुश्ती करने जा रहे हैं। हाँ पता है, बड़ा बैनर लगे हैं जगह जगह, मिस्किनिया पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, और बड़े बड़े लोग आते हैं लड़ने के लिए, और पिट पिटा के जो पब्लिक हंसती है, बड़ा मज़ा आता है पब्लिक को पिटता हुआ देखकर। बोला क्या तू भी जाएगा उसमें देखने के लिए? बोला देखने नहीं साहब, मैं जाऊँगा मिस्किनिया पहलवान से लड़ने, 250 रुपये तो मिलने ही मिलने, और अगर मैं जीत गया तो 500 रुपया जीत कर आऊँगा, और मुझे एक बड़ा काम करना है। तो वो जो सज्जन थे, क्या काम करना है तेरे को, तू क्या सोचता मिस्किन है पहलवान से तू लड़ लेगा मच्छर सिंह से, मच्छर जैसा आदमी तू, नाम भी तेरा मच्छर सिंह बता रहा है, क्या करेगा क्या? बोला मुझे जाके गुरुजी को देने, गुरुजी की बेटी की शादी है, मैं चाहे मर जाऊं कुछ भी हो जाए मुझे 500 रुपये ले जाकर गुरुजी को देने। अब वो जो सज्जन थे उन्होंने सुना, बोले ठीक है भैया तेरी श्रद्धा है तेरा विश्वास है, जा कर मर कुछ भी कर, मुझे क्या मतलब। वो अपने आगे निकल गए। अब 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया, ये मच्छर सिंह जा कर के वहाँ बैठ गया, आ रहे लोग, ये आया वो आया ये आया वो आया, अनाउंसमेंट हो रहा, ये पिटा उसके दांत टूटे, उसका कान का पर्दा फटा, उसके ये हुआ, उसकी टांग टूटी, उसका एक हाथ टूट गया, पर 250 रुपये तो मिल ही रहे थे सबको। पब्लिक जमा, वाह 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 वाह, मिस्किनिया पहलवान की जय हो, मिस्किनिया पहलवान की जय हो, नारे लग रहे। खैर अब एक आवाज़ गूंजी, मच्छर सिंह। अब वो जो है बेचारा लड़खड़ाता हुआ अंदर पहुंच गया, उसमें लड़ाई के जो रिंग होता है, और सामने देखा तो हैं
अरे ये तो, अरे ये तो वो हैं जो सुबह मुझसे पूछ रहे थे। ओ अरे भाई साहब आप, चल चल लड़ाई कर, बात करता है। तो अब वो सब मच्छर सिंह जो है भागा हुआ आया और खटाक से उनने ऊपर चढ़ा, यूं करके जो झटका देते हैं, ढाड़ से गिरे, यूं पलटी खाई, ये हुआ वो हुआ। सोच रहा था बेचारा मच्छर सिंह, वो तो लटक के रह गया। वो खड़े रहे अपना अपना, आया लटका गर्दन से, यूं पटकने को तैयार, वो तो यूं जोर लगावे, वो तो खड़े अपना। उनने उतारा उसको, फेंका, लोग वाह 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 वाह, मिस्किनिया पहलवान की जय हो। मिस्किन दो चार छः इधर से हाथ मारे, उधर से मारे, फिर वो मिस्किनिया पहलवान, वो मच्छर सिंह फिर भागा। अब की बार पीछे से चढ़ गया, पीछे पलट दूंगा इनको, लटक गया पीछे। अब वो हिले ना वो तो, और बेचारा यों 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 करके उनने यों लिया पकड़ के और आगे कर दिया उसको, आगे करके और धड़ाक से जमीन पे। आपको सीन समझ में आ रहा होगा। अब कुश्ती हो रही, कुश्ती हो रही, कुश्ती हो रही, और लोग जो हैं वो वाह वाह जय हो जय हो। पर लोग सोच रहे मच्छर सा आदमी, इनने एक हाथ मारते दिमाग सही हो जाता है इसका, अभी झापड़ खा के बेहोश हो जाता, ये कर क्या रहे हैं आज। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इधर नाच रहा है, उधर नाच रहा है, इधर लटक रहा है, उधर लटक रहा है, वो भी खेल खेल रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इसको मच्छर सिंह को फिर एक बात सूझी कि इनके पैरों के बीच में घुस जाऊं और यूं करके मारूं तो पैर इनके चौड़ जाएंगे, दबाक से गिरेंगे, उठ नहीं पाएंगे। भाग के गया, अकल जो काम करी, यूं मारा तो वो तो खड़े थे अपना, वो तो हिले भी नहीं वहां से। दोबारा मारा धाड़ से, अब की बार उनके पैर चौड़े, धाम से गिरे उल्टे, चित गिर गए। अब लोग सकते में आ गए, हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब वो उठे ना, 1 2 5 7 वो गिनती जो चलती है, 10 मिस्किन या पहलवान लेटे पड़े, उठाई ना जा रहा उनसे। अरे भाई ये तो बड़ा, आज तो कमाल हो गया, आज तक कोई 500 रुपये नहीं जीता, फर्स्ट टाइमर। तो मच्छर सिंह, मच्छर सिंह, ये कौन है मच्छर सिंह, मच्छर सिंह, मच्छर सिंह। मच्छर सिंह गया मिस्किन या पहलवान के पास, मुझे मालूम है आप जानबूझ के गिरे हो, मैं इतना लड़ा चढ़ा, ये किया वो किया, आप 15 मिनट से मुझे खिला रहे हो और अब आप जो है लेटे पड़े हो, मुझे मालूम है आप 1 मिनट में उठ के खड़े हो जाओगे। तो वो धीरे से आंख खोल कर देखते हैं, बोलते हाँ ठीक कह रहा है। बोलते फिर क्या हुआ। अरे ये हुआ, मुझे तेरी गुरु भक्ति देखकर दिल पसीज गया मेरा, आज दिन तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं करा, मेरा दिल हुआ कि मैं आज एक अच्छा काम कर दूं, गुरु साहब के लिए ले जा रहा है तू, गुरु साहब की बेटी की शादी है, मैं तो हार जाऊंगा यार, फिर जीत जाऊंगा, मेरा तो चलता रहेगा, मेरा तो ये खेल है, पर तेरा काम नहीं बनने का था, तेरा काम बन जाए, तेरा काम बन रहा है, मुझे आज जो खुशी आ रही है, मैं सच बता रहा हूँ जिंदगी में कभी नहीं आई, मैं इतना जीता इतना जीता इतना जीता, मैं हारा तो हुई नहीं कभी, पर आज हार में जो आनंद है वो मुझे जीत में कभी नहीं आया। तो इसके लिए एक शब्द आता है गुरु ग्रंथ साहब में, सुखी बसे मिस्किनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। तो मिस्किनिया पहलवान ने कहा कि आज मुझे जो खुशी है वो मुझे कभी नहीं आई। हम लोग सोचते हैं जीतना जीतना जीतना, भी आपने सुना सारी बातें, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, जीतना अच्छा है, जीतना बहुत अच्छा है, जीतना चाहिए, लेकिन कभी हार में जो आनंद आएगा ना, कभी हार के भी देखिए, हार में जो आनंद आएगा वो जीतने में नहीं आता है। जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, मच्छर सिंह को पता था मेरे में कोई विशेषता नहीं है, पर गुरु, गुरु के लिए करना है, गुरु के लिए करना है, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उसको पता था मैं तो मच्छर सिंह जैसा आदमी, एक झापड़ मारे का गया मैं तो, लेकिन गुरु जी के लिए कुछ तो करना है, 250 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भले वो हाथ पैर तोड़ देगा मेरे, कुछ भी कर देगा। उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती,
क्या विलक्षणता आ गई उसके अंदर कि मिस्किन या पहलवान पिघल गया, उसका पत्थर जैसा दिल मोम बन गया। भगवान कुछ भी कर सकते, अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते, बड़े बड़े सूरमार खां, बड़े बड़े कुछ भी हो, सब ढेर हो जाते हैं। अहंकार करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, बी नथिंग, कुछ भी नहीं बनने वाले जीरो बन गया हीरो, एक कहावत है। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में कोई नहीं। भगवान जितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, बात ये ना, हम लोग भक्त नहीं बनते, दुनिया ने हमें रटा रखा है, बचपन से माँ बाप ने दिमाग में हमारे भर रखा है दुनिया में कुछ बनना है, दुनिया में कुछ करना है, ऐसे भरा हुआ है हमारे दिमाग में। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? गुरु कहते हैं भक्त बनो, वो हमारे दिमाग में फिट ही नहीं बैठता। कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है अज्ञान बड़ा। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, तकलीफ भी देते हैं भगवान, ऐसा नहीं तकलीफ नहीं देते। पैर में भी दर्द है, जीभ भी कट गई है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, जीभ एकदम दोपहर को भोजन करते में कट गई, तो ऐसा थोड़ी कि मेरे साथ सब बढ़िया ही बढ़िया है, सब साथ साथ चलता है, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव, कभी धूप कभी छांव, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, ये तो संसार है, सब साथ साथ चलता है, बढ़िया ही बढ़िया नहीं चलता, तकलीफ भी चलती है। मिलने वाली वस्तु बिछोड़ने वाली होती है, पर जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व हैं वो कभी किसी अवस्था में नहीं बिछोड़ते। मिलने वाली चीज, ये शरीर, चीजें, घर परिवार, संसार, काम धंधा, बिजनेस, घर के काम, बच्चे, एक दिन सब छूटने वाले, एक दिन सब मिला अमिला हो जाएगा, सब छूट जाएगा, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन भगवान कभी नहीं बिछोड़ते, हमारे साथ हर समय रहते हैं, चाहे हमें उनका अनुभव हो चाहे ना हो, अनुभव हो चाहे ना हो, भगवान हर समय हमारे साथ रहे।